ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं, जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैया लाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया, बट वो अपनी गलतियों को छिपा करके केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं। जब से विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और पटना में उनकी जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है। अच्छी बात है, आपने आदिवासी महिला को बनाया, पूरे देश ने स्वागत किया, बट लोकसभा के नई लोकसभा के उद्घाटन में आपने उनकी बेइज्जती करने का काम किया, पूरे राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया। यह भी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, राजस्थान के दौरे पे उदयपुर में आए, वहां पर उन्होंने सबसे जो प्रमुख मुद्दा उठाया और उदयपुर आने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, जो उनकी नीति है पार्टी की, उसके अनुरूप कन्हैया लाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं, जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैया लाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया, उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी और जो सहायता उनको मिलने चाहिए थी वो सहायता भी उनको मैक्सिमम आज तक के राजस्थान के इतिहास में किसी घटना में नहीं दी गई, वो पैकेज उनको दिया गया, पूरा परिवार उनको संतुष्ट है। और राजस्थान पुलिस से केस तुरंत लेकर के एनआईए ने वो केस ले लिया, आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए, बट वो अपनी गलतियों को छिपा करके केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, एक गलतफहमी उनको है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर फिर वो 300 सीटें लाएंगे। ये जो बयान दिया गया है वो बौखलाहट का बयान है, डर का बयान है और एक आडंबर दिखाने का कि हम अभी कमजोर नहीं हुए हैं, क्योंकि जब से विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और पटना में उनकी जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं, पंजाब हिमाचल कर्नाटक के चुनाव के बाद में इनको पता लग गया है कि अब कहीं भी मोदी जी के चेहरे का या मोदी जी के काम के आधार के ऊपर इनको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हम कमजोर नहीं हुए हैं, 300 सीटें लेकर के आएंगे। इस तरीके का गलत बयान उन्होंने दिया है। एक बात ये भी छेड़ी है उन्होंने कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है। अच्छी बात है, आपने आदिवासी महिला को बनाया, पूरे देश ने स्वागत किया,
बट लोकसभा के नई लोकसभा के उद्घाटन में आपने उनकी बेइज्जती करने का काम किया, पूरे राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया, यह भी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और जल जीवन मिशन में हमने बहुत काम किया और गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने इतने करोड़ का काम कर दिया। ये भूल गए कि ये राजस्थान है, राजस्थान में आप कह रहे हो, जल संसाधन मंत्री यहाँ का है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और जो क्षेत्रफल 15-15 किलोमीटर पर बाड़मेर जैसलमेर में ढाणियाँ हैं, वहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो पूरे देश में सम्मान 50-50% का रेशो स्टेट और सेंटर का रखना और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी के यहाँ से मंत्री होकर के भी ERCP 13 जिलों की जो पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए था उनकी परियोजना को रोकना, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करना, देश के प्रधानमंत्री का 2 बार अजमेर और जयपुर में वादे के बावजूद, तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि ये गजेंद्र सिंह जी को याद दिला करके, जल जीवन जल मिशन की याद दिला के जो बात वो करना चाहते थे, उनको राजस्थान को हमेशा से ये मांग रही है कि इस पानी के मामले में विशेष राज्य का दर्जा देकर के पैकेज दिया जाए। आज जब वो 9 साल से सत्ता में है और जल संसाधन मंत्री सौभाग्य से पहली बार राजस्थान का है देश का, तो क्या उनको कोई विशेष पैकेज पानी की व्यवस्था के लिए नहीं देना? उन्होंने कहा, कल नड्डा जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि साहब ये परिवारवाद की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ, परिवार पार्टी है तो यदुप्रम जी, वो जो BS यदुरप्पा, उनका बेटा क्या है? क्या MLA नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या MLA नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह MP नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी, उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? क्या विजय वर्गीय जी जो हैं उनके बेटे MLA नहीं हैं? क्या हमारी किरण महेश्वरी जी थी, उनकी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया? क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो पहले वो घोषणा करके अमल कीजिए और उसके बाद में इस तरीके के सवाल उठाने आपको उठा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं उठा सकते। दूसरा जो खेल हर बार होता है वो खेला इस बार भी हुआ। एक मीटिंग में हमने देखा, जब मोदी जी आए थे तो कोई किसी का चोला खींच रहा था, कोई किसी के कोने मार रहा था। कल परसों जब राजनाथ सिंह जी कल आए तो कोई किसी का माइक छीन रहा था, कोई किसी का गला पकड़ रहा था, कोई किसी का नारे लगा रहे थे, कोई किसी की हूटिंग कर रहे थे। वो खेल आज भी हमने देखा। राजेंद्र सिंह जी वसुंधरा जी को निपटाने के लिए उनका प्रोटोकॉल में और उसमें नाम होने के बावजूद और वसुंधरा जी का स्पीच तैयार होने के बावजूद उनको नहीं बुला करके बीच में अमित शाह जी को पुकार करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो अमित शाह जी पहले अपनी पार्टी के लोगों को ठीक कर लीजिए, अपनी पार्टी में जो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे बजट दिए हैं, गुड गवर्नेंस है, घटना घटने के तुरंत बाद में पूरा एक्शन होता है, पूरा उनको मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ जरूरत होती है सहायता प्रदान की जाती है। आपने तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनें बैठी हुई हैं, जो 43-45 दिन तक बैठी रही,
आपने धक्के देके उठा दिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।